ऐसी काम नहीं लेता आया हूँ क्योंकि अब फिटनेस और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को पता ही नहीं। द बिजी प्रोफेशनल थी, पूरे दिन की थकान के बाद धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लगा और हेल्थ के इश्यूज भी आने लगे। अब और नहीं, सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना शुरू किया। सुबह उठकर वर्कआउट करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और मेडिटेशन करना, ये उसकी कम्फर्ट जोन के बाहर की बात थी। लेकिन भी हार नहीं मानी, फिटनेस एप्स का यूज किया ताकि वो मोटिवेट रह सकते। इस सब डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का ही नतीजा है। अगर आपको विल पावर और डिटर्मिनेशन है तो आप अपने हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि आपको फिटनेस और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को पता ही नहीं। ये कहानी है मीरा की, जो कि अपने डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन से अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने में सफल रही। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मीरा जो कि एक बहुत ही ज्यादा बिजी प्रोफेशनल थी, जिसका ही दिन ऑफिस के स्ट्रेस और काम से ही भरा रहता था। पूरे दिन की थकान के बाद वो अपनी हेल्थ और फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लगा और उसके हेल्थ के इश्यूज भी आने लगे। एक दिन मीरा ने डिसाइड किया कि बहुत हुआ, अब और नहीं। उसने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू किया। मीरा ने सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना शुरू किया और उनके टिप्स और ट्रिक्स को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सुबह उठकर वर्कआउट करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और मेडिटेशन करना उसने अपने रूटीन का पार्ट बना लिया। शुरुआत में तो मीरा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये उसके कम्फर्ट जोन के बाहर की बात थी। लेकिन उसने अपने माइंड में रखा, अपने एफर्ट्स को जारी रखा। उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने अपने फिटनेस को ट्रैक करने के लिए फिटनेस एप्स का यूज किया ताकि वो मोटिवेट रह सके और अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट भी किया। धीरे धीरे उसके एफर्ट्स का रिजल्ट उसको दिखने लगा। मीरा का वेट कम होने लगा और वह अपने आप को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फिट फील कर रही थी। एक साल के अंदर ही मीरा ने अपने आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब लोग उससे ये पूछते थे, मीरा ने ये सब अचीव कैसे किया, और वो मुस्कुराते हुए कहती थी, ये सब डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का ही नतीजा है। तो इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहाँ लोग ये सोचते थे मीरा अपनी बिजी लाइफ में कभी भी फिट नहीं हो पाएगी, उसने अपने विल पावर और कंसिस्टेंसी से सबको बड़े साबित कर दिया और वह एकदम फिट एंड फाइन होकर निकली। तो इस कहानी का मोरल यही है कि अगर आपको विल पावर और डिटर्मिनेशन है तो आप अपने हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिटनेस एक लाइफ स्टाइल है और अगर आप उसे अपने रूटीन का पार्ट बना लेते हैं तो आप भी अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा इस कहानी में और आपको पता चला होगी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ, अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब के लिए धन्यवाद।